हेलो गाइस, आज मैं आपको उस एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊं जिसे इस्तेमाल कर आप सच में एक सुपर एंड्रॉयड यूज़र बन जाएंगे। हाँ दोस्तों, वैसे तो आप सभी हर रोज़ एंड्रॉयड का यूज़ अपनी आम जिंदगी में कर लेते हैं, लेकिन ये जो एप्लीकेशन का आज मैं आपको फुल रिव्यू देने वाला हूँ, उसे यूज़ करने के बाद एक स्मार्ट यूज़र और एक फास्ट यूज़र बन सकते हैं। तो बिना देर के लेट्स स्टार्ट द वीडियो, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब सब यहाँ पर एक स्मार्ट किट का एक लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने एक पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था, मैं इसका फुल रिव्यू दूंगा, तो आज मैं इसका फुल रिव्यू देने वाला हूँ। तो जस्ट इट्स टैप कर देते हैं। तो आम यूजर्स का क्या होता है, तो आपके लिए नोटपैड के लिए अलग सा फंक्शन होता है, उसमें जाने के बाद आपको नोटपैड ओपन हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि उसका अलग से डाटा खर्च होगा या फिर उसका अलग सा जो मेमोरी है आपका वो खर्च होगा। और इन सब ऐप्स का एक मेन प्रॉब्लम है दोस्तों, ये सभी वर्क करती है तब आपका बहुत सारा बैटरी लॉस करवाती है। तो ये जो एप्लीकेशन है बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, इसके अंदर आपको इनबिल्ट 32 एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप क्लीन मास्टर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारा बैटरी यूज़ होता है, या फिर फ्लैश हो या फिर फाइल मैनेजर हो, कोई भी एप्लीकेशन हो जो कि आपके टूल के बारे में है, कैलकुलेटर हो, उसके लिए आपको बहुत सारा बैटरी और अपना स्पेस खर्च करना पड़ता है। वैसे तो ऐप बहुत ही कम MB का है, 4.3 MB का है ये एप्लीकेशन, यानी कि 4.5 MB तो आप पकड़ ही लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट इसका रिव्यू, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको नोटपैड दिखाता हूँ। नोटपैड में जाने के बाद आप यहाँ से इसको कुछ भी अपनी तरह से कोई भी अपना नोट डाल सकते हैं, और इसे जब चाहे उस वक्त पर सेट कर आपको ये रिमाइंड कराता रहेगा कि चलो भाई आज आपने ये टाइप किया था इस दिन और आज आपको ये काम करना है। तो आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर अपना कलर चूज कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। जैसे आप बैक आ जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पहले भी इसे ही चेक करने के लिए कुछ डालकर रखा था ऐसा ही कुछ भी। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से इसके सेटिंग्स भी कर सकते हैं। तो दूसरा देखें तो यहाँ पर है फ्री म्यूज़िक। फ्री म्यूज़िक यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, हाउस, इंडी, जैज एंड ब्लज, लेटिन मेटल, तो आप जो चाहे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अगला आता है फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट अभी स्टार्ट हो गया है तो आप चाहे तो इस पर यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। फ्लैशलाइट का भी यही प्रॉब्लम है दोस्तों, आपको अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है, या फिर अगर आपके मोबाइल में पहले से इनबिल्ट इसका एप्लीकेशन है तो भी उसमें अंदर जाने के लिए आपको बहुत सारा टेंशन पड़ता है दोस्तों, या फिर कुछ एडवांस्ड मोबाइल का कहे तो यहाँ पर इस तरह से टॉर्च आ जाता है, लेकिन होता यह है कि इसका अलग से फंक्शन और अलग से आपका बैटरी खर्च होता है। तो ये सब आपको एक ही एप्लीकेशन में मिल जाता है, और डबल टैप कर देने के बाद आपका SOS इज ऑन हो जाता है और डबल टैप करने के बाद ऑफ हो जाता है। ब्राइटनेस लेवल भी यहाँ से इस तरह से स्क्रॉल करने से बढ़ जाता है, पर यहाँ से कम भी हो जाता है, इस तरह से आप देख सकते हैं कम ज़्यादा हो रहा है, आपको किसी दूसरे एप्लीकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बैक आने के बाद बैटरी सेवर की बात करते हैं। बैटरी सेवर के आप देख सकते हैं, बैटरी सेवर इस तरह से आपका कौन कौन सा ऐप कितना कितना डाटा खर्च कर रहा है या फिर कितना कितना आपका बैटरी खर्च कर रहा है ये सब बता देगा, और कितना बैटरी आपका अभी है और कितना कितनी देर तक चलेगा ये भी दिखा देगा। अभी हमारा 6 hours 51 minutes and 51 seconds लेफ्ट है, यानी कि बचा हुआ है। अगले बात करें इसके आगे की, तो चार्ज ये कितने परसेंट है या किसके लिए कितना जा रहा है वो भी आपको दिखा देगा यहाँ से क्लियरली। तो मोड्स, यहाँ पर आप अपने मोड्स ऑन कर सकते हैं, और स्लीप मोड बहुत अच्छा है दोस्तों, अगर आप सोने जा रहे हैं तो इसको ऑन कर दीजिए। इसे ऑन कर देने के बाद आपका नेटवर्क ऑफ हो जाएगा, आपका फ़ोन भी ऑफ हो जाएगा, SMS भी ऑफ हो जाएगा, और अलार्म ऑफ ऑन हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अगर आपका कोई कॉल आया भी तो वहाँ पर रोक दिया जाएगा, और जब आप अलार्म बजेगा तब आप उठेंगे तो इसे स्लीप मोड से बाहर निकालेंगे तो आप देख सकेंगे कि वहाँ पर आपके जो पेंडिंग है SMS या फिर कॉल्स वो आपको शो हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर डिटेल्स से आपके मोबाइल की यहाँ पर डिटेल्स आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मेरी है Xiaomi Redmi Note 3, और यहाँ से मेरे सब कुछ आप देख सकते हैं किस किस तरह से है। और जहाँ तक आपके बारकोड स्कैनिंग की बात है दोस्तों, तो आपको बारकोड स्कैनिंग के लिए भी कुछ अलग सा एप्लीकेशन लेना पड़ता है, और अगर आपके मोबाइल में इनबिल्ट है तो उसके सेटिंग मिलने तक आपको काफ़ी समय आपका ज़ाया हो जाता है। तो इसके लिए आपको इसके अंदर एक बारकोड स्कैनर भी मिल जाता है, जैसा आप यहाँ पर बारकोड स्कैनर दिख रहा है उस पर टैप कर दीजिए तो फिर ये ऑन हो जाएगा, और आपको क्या करना है कोई भी बारकोड उसके नीचे पकड़ना है, यहाँ पर इस तरह से ये इसे डिटेक्ट कर लेगा आपका, जिस तरह से उस तरह से आप इसे कर लीजिए। यहाँ पर फ्लैश भी पार्ट डाल सकते हैं आप इस पर, तो आप देख रहे हैं इस बारकोड के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर शो हो रही है, तो काफ़ी डिटेल में यहाँ पर शो हो रहा है। अगर इसके अंदर की कैलकुलेटर की बात करें तो ये बहुत यूजफुल है, अगर आप एक साइंस स्टूडेंट है या फिर किसी मैथ्स आपने स्पेशल सब्जेक्ट लेकर रखा है
ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बाद, तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। यहाँ पर आपको लॉग, EMC, AC, ME, ST सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से कुछ भी इस तरह से इसे यूज कर सकेंगे, और यहाँ पर जो सेटिंग है उसके अंदर आप इसे कस्टमाइज कर सकेंगे। अगर इसके अंदर के ट्रांसलेटर की बात करें तो दोस्तों, आपको हर कोई वर्ड जो सर्च करते हैं आप, तो हिंदी में क्या है, इंग्लिश में क्या है, अलग अलग होते हैं, तो आपको कुछ डिक्शनरी डाउनलोड करनी पड़ती है। और डिक्शनरी आपको पता होगा काफ़ी बड़े साइज़ की डिक्शनरीज होती है, जो कि आपको बहुत सारा स्पेस खा जाती है। तो इसके अंदर एक ट्रांसलेटर भी बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेट कर ली है, आप भी जो चाहिए वहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में हम डाल देते हैं व्हाट पहले से भी डाल रखा है, हाउ डाल देते हैं हाउ। तो यहाँ पर सर्च करने के बाद आपको इसके रिजल्ट दिखाई देंगे। आपको जैसे यहाँ से नेट ऑन करना है, और नेट ऑन करने के बाद आपको इसके रिजल्ट आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हाउ मतलब किस तरह, और मैंने पहले भी यहाँ पर एक सर्च कर दिखा रहा था करा था। आप देख सकते हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको मिल जाती है, आपको कोई भी एडिशनल डिक्शनरी डाउनलोड करने की। और जब बात इसके मिरर की बात आ जाती है दोस्तों, तो आप इस पर टैप करते देख सकते हैं किस तरह से इसका मिरर काम करता है। अगर आप एक लेडीज है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप उसको अपने पर्स में अलग से कोई आईना रखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके आईने के काम यही करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जूम हो रहा है, आप अपना जो चाहे वो साइज देख सकते हैं आप यहाँ से, बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क करता है। और उसमें डे नाइट का भी फंक्शन आ जाता है दोस्तों। इसकी और एक खास बात करें तो इसमें ऑडियो ट्रिम आप कर सकते हैं, कोई भी ऑडियो आप ट्रिम कर लीजिए, और उसे बीच में से या कहीं से भी आप ट्रिम कर सकते हैं, और उसका शेप बदल सकते हैं, अपनी रिंगटोन लगा सकते हैं, और अपने हिसाब से उस ऑडियो को कस्टमाइज कर सकते हैं। और जब बात आपकी करेंसी की आती है, तो इसके लिए तो आपको बड़ा फंक्शन कोई से डाउनलोड करना पड़ता है, कोई सा एक एप्लीकेशन, तो इसमें इसका भी कोई जरूरत नहीं। आप यहाँ पर करेंसी देख सकते हैं, उस पर टैप करने के बाद यहाँ पर करेंसी आ जाएगी। मैंने यहाँ पर जापान की येन कर रखी है, तो आपको यहाँ पर इंडिया की कर देनी है, और आपको यहाँ से जस्ट जो आपको वैल्यू देखनी है वो टैप कर देनी है और सर्च कर देनी है। आप यहाँ पर देख सकेंगे उसके वैल्यू यूरोज़ में कितना है। आप किसी भी देश का कोई भी रुपीज़ का या किसी का भी येन का वॉल्यूम देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ हर्ट REM, ये कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जिसका रिव्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद ही इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप इतने स्मार्ट हैं, मैं जानता हूँ आप बहुत ही स्मार्ट हैं। और इसमें एक स्पीडोमीटर भी मिलता है आपको, उस पर टैप कर देने के बाद आपको कोई भी स्पीड का कुछ भी आप उससे सेटिंग कर सकते हो। तो आपके लिए यहाँ से आपको लोकेशन अपना ऑन रखना पड़ेगा, और लोकेशन ऑन रखने के बाद आपको आप जितनी स्पीड से अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको ये अपना स्पीड दिखा देगा। तो ऐसे ड्राइवर्स के लिए बहुत काफ़ी अच्छा है ये फंक्शन इसके अंदर का। और दोस्तों, आप जो यहाँ पर इसके अंदर जो मैप देख रहे हैं वो भी काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि वो एक बार आपने अपना लोकेशन उसके दिखा दिया तो आपको काफ़ी एट द पॉइंट आपको ये लोकेशन दिखा देगा। तो अगर आपका नेट फास्ट है तो बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा। हमारा तो नेट यहाँ पर काफ़ी स्लो चल रहा है दोस्तों, आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं 28 KB/s से चल रहा है, तो काफ़ी देर लगा देगा, इसलिए आप अपने मोबाइल में से खुद ही चेक कर लीजिए। फिर भी आ गया, देखो यहाँ पर आप यहाँ से इस पर टैप कर देने के बाद आपको ये हमारी लोकेशन दिखा देगा, तो काफ़ी यूज़फुल है, और यहाँ से आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कुछ मैग्नेटिक वाला पढ़ सकते हैं, नीचे जो मैग्नेट का एक आइकन दिखा रहा है उस पर आप मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक ऊपर आपको लेवलर का भी एक आइकन दिख रहा है, उसके हिसाब से आप अपनी लेवल चेक कर सकते हैं। आप अपनी दीवार पर कोई फोटो लगाना चाहते हैं तो इससे सेट कर सकते हैं कितना आपको लेवलर ईजी या फिर इतना कितना स्मूथ चाहिए, कितना एक्यूरेट चाहिए, यहाँ से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। और कंपास, अगर आप कहीं खो जाते हैं या फिर आपको दिशा कोई भी आपको जानना हो तो आप जस्ट यहाँ पर कंपास पर टच कर दीजिए, और यहाँ पर आपको नॉर्थ साइज के हिसाब से ये दिखा देगा। देखिए, मैं अभी नॉर्थ साइज की तरफ साइड की तरफ टर्न हो रहा हूँ, तो ये किस तरह से नॉर्थ पर आ गया है, आपको साइड बाय साइड सब कुछ दिखा देगा। आप यहाँ से इसे जाकर कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर बात क्लीनर की करें तो ये MX प्लेयर से मेरा मतलब है ड्यू क्लीन बूस्टर से बहुत अच्छा है, और बहुत काफ़ी अच्छा वर्क कर लेता है। यहाँ पर जो वो जिस तरह से वर्क कर लेता है ये भी उसी तरह से वर्क कर लेता है दोस्तों, काफ़ी अच्छी तरह से वर्क कर लेता है, और आपका पूरा मोबाइल स्कैन कर आपको वायरस फ्री मोबाइल बना देता है। आप यहाँ से रैम भी क्लीन कर सकते हैं। तो होता क्या है, बेसिकली हमारी रैम में बहुत सारा जो डाटा जमा होता है वो बाहर नहीं निकलता और आपका मोबाइल हैंग होने लगता है, तो उसी वजह से ये आपको बहुत ईजी वाला एप्लीकेशन दिया गया है। और अगर स्टॉप वॉच की बात करें तो दोस्तों, ये तो काफ़ी बढ़िया है, और मैंने इसे यूज़ किया है बहुत बार, तो आप इसे देख सकते हैं काफ़ी इफेक्टिव है ये। अगर आप तो इसका यूज़ बहुत आपको कूल बना सकता है।
और जो आखिरी दो बचते हैं रिकॉर्डर और फाइल मैनेजर, तो आपको मैं बता दूं कि रिकॉर्डर के अंदर जाने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आप यहां से रिकॉर्ड कर सकेंगे कुछ भी। यहां पर लाल आइकन दिख रहा है, उस पर टैप कर दीजिए जस्ट और आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा आप इसे यहाँ पर ऑफ भी कर सकते हैं। और जैसे आप यहाँ पर प्लेइंग प्लेयर में जाएंगे तो मैंने यहाँ पर कुछ पहले सेव किए हुए हैं, उस पर टैप कर देने पर वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको किसी दूसरे रिकॉर्डर में भी जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो आपको मैग्नीफायर दिख रहा है उसका भी कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन फाइल मैनेजर जो आप दिख रहे हैं उसका बहुत यूज़ करते हैं हम। आप फाइल मैनेजर यहाँ से इनबिल्ट ही फाइल मैनेजर है, आपको सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो देख लीजिए किस तरह से मेरा मोबाइल यहाँ पर किस किस किन किन चीज़ों से फुल है। म्यूज़िक 98 फाइल्स है, वीडियो 49, इमेजेस 286 और डॉक्यूमेंट 7 फाइल्स है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल को कस्टमाइज कर सकते हैं और एक फास्ट यूज़र बन सकते हैं। आपको किसी भी दूसरे एप्लीकेशन में जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइज़।